नाजरीन, हम सुखन YouTube चैनल के प्रोग्राम कड़वा सच में मैं हूं आपका मेज़बान इमैनुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर पीटर जे डेविड साहब, जो कि पेशा के लिहाज से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और बरतानिया में अपनी पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को फलाही कामों का भी बहुत शौक़ है और वो पाकिस्तान में मुस्तहिक मसीही तालिब इल्मों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फंडिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ आप फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज अल मशहूर एफसी कॉलेज, जो कि अब चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के अटारनी भी हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, प्लीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की? मैडम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये आज़ाद बख्शा कि आपके मशहूर हरदिल अज़ीज़ चैनल पे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूँ। हम सुखन के साथ मेरा ताल्लुक बड़ा देरीना है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ज़फ़र साहब की सारी काविशों से ये जो प्रोग्राम है वो तश्कील दिया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने सवाल किया है मेरी पैदाइश के हवाले से, तो मैं फैसलाबाद में, जो उस वक़्त लालपुर कहा जाता था, वहाँ पे मेरी पैदाइश 1941 में हुई। तो मैं इस वक्त 80 साल का हूँ और 81वीं साल में मैं इस वक्त रामा रामा हूँ। मतलब पाकिस्तान से सीनियर हैं आप? जी, पाकिस्तान से मैं गॉर्डन कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की, FSC फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसको चूँकि मेरे पास मेरे माँ बाप के पास वसाइल नहीं थे, तो मुझे यहाँ दाखिला नहीं मिला। और मैं फिर गॉर्डन कॉलेज गया, वहाँ से FSC की, उसके बाद मैं निश्चर कॉलेज मेडिकल गया, वहाँ से MBBS किया, और उसके बाद मैंने 5 साल जो है वो मसीही इदारों में, जिसमें FC कॉलेज के मुल्हका UCH में मैंने खिदमत की, और टेक्सलम में हॉस्टल में खिदमत की, उसके बाद मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सियालकोट में मैंने खिदमत की, और साहिवाल के उस वक्त नैन्सी फुलवुड हॉस्पिटल में मैंने खिदमत की। ठीक, नेक्स्ट है जी, आप बुनियादी तौर पर MBBS डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल, मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो MBBS है, लेकिन मेरा एक छोटा सा डिप्लोमा है मामूली सा मेंटल हेल्थ में। सही। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि फिर फलाही कामों की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ, या आपको बचपन ही से फलाही कामों का शौक़ था, या इस तरफ आने की कोई और वजूहत हैं? देखिए, मैंने आपसे अभी गुजारिश की है कि मैंने जब यहाँ अप्लाई किया 1957 में FC कॉलेज में, तो मुझे दाखिला नहीं मिल सका क्योंकि मेरे माँ बाप के पास वसाइल नहीं थे। तो मैंने उस वक्त वादा किया कि अगर मेरे खुदा ने मुझे इस वक्त तो मुश्किल में हूँ, अगर खुदा ने मुझे हिम्मत दी तो मैं उन लोगों की मदद करूँगा जो अपने आप को इस हालत में पाते हैं जिसमें आजकल मैं हूँ उस ज़माने में। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर कोशिश किया करूँगा कि बच्चों की तालीम में उनकी मदद करूँ। तो ये मेरा उस वक़्त जो था वो वादा था, तो खुदा की मेहरबानी से थोड़ा बहुत ये पूरा हो ही रहा है, तो ये मैं कर रहा हूँ। ठीक डॉक्टर साहब, मुस्तहिक मसीही तालिबे इल्म के तालीमी अखराजात में मावनत के हवाले से आप मुखय्यर अफराद के तावन से मुख्तलिफ मसीही तालीमी इदारों को फंड्स भी मुहैया करते हैं। जी, अपनी इस काविश में अब तक आपको किस हद तक कामयाबी हुई है? देखें, मैंने कभी किसी से पैसे मांग के आगे यहाँ नहीं दिए। जो भी मैंने को किया है वो खुदा की मेहरबानी से अपनी जेब से किया है। आजकल अपनी पेंशन से करता हूँ, लेकिन उसमें मेरे मामनीन जो हैं वो मेरे मेरी अहलिया हैं शमीम, और मेरे बच्चे जो हैं, और वो इस काविश में मेरे भरपूर शरीक हैं।
हमने कभी किसी से पैसा लेके यहाँ नहीं दिया, हमने यही किया है कि अपनी जेब से दें। और अभी तक मैंने FC कॉलेज में पिछले 10 साल से 2 करोड़ रुपया जो है वो मैंने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप फंड में दिए हैं। हर साल हम 1,000,000-10,00,000 रुपया देते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट। आप चूँकि बतौर अटारनी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड इन पाकिस्तान के मामलात को भी देख रहे हैं, क्लीसियाई सियासत या चर्च पॉलिटिक्स की वजह से चर्चेज में दिन ब दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इस सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है? मेरी दानिश में जो आपका सवाल है वो बहुत ज़रूरी है और उसको मैं अपनी दानिश से इसको जवाब देना चाहूँगा। सबसे जो बड़ा फुकदान है हमारी कम्युनिटी में है वो लीडरशिप का है। रैपरों की कमी है, सही। और असली जो रैपर है, और कई जगह जो हालात हैं वो ये हैं कि रहबर ज़्यादा हैं, रहनुमा ज़्यादा हैं और पैरोकार कम हैं। और उसमें ये बात है कि क्योंकि कोई भी ऐसा मुसलसल स्ट्रक्चर नहीं है जिससे हमारे चर्च के लीडर जो हैं उनको ट्रेन किया जाए। सही। मैं इस वक्त एक बिशप साहब हैं जिनका जिक्र जो है वो अच्छा नहीं लगता करने को, क्योंकि वो बिशप साहब तो हैं लेकिन उनकी कोई ट्रेनिंग जो थी वो नहीं हुई। और वो पिछले 4-5 साल से बिशप के ओहदे पे बड़ा जमा हैं लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है। सही। इसी हवाले से हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये देखते हैं कि बड़े अदारों में भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहां में चर्च के लीडर्स की ट्रेनिंग की जाए। मैं डॉक्टर बना तो 5 साल की मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी। आप कार चलाते हैं तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कोई हवाई जहाज चलाता है तो उसको 4 साल के, लेकिन अगर उनको बिशप बनना चाहता है तो उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उसको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। और इलेक्शन में जब तक उसके पास रकम ना हो, माल नहीं होगा और लोगों को वो बांटे ना, तो वो जो है कम चांसेस हैं उसके कि वो बिशप। अब देखें, मेरा इश्यू ये है कि मेरे सारे बिशप साहबान जो है दोस्त हैं, सारे हेडवर्ड साहब दोस्त हैं, लेकिन मैं तो सीधी बात करता हूँ और वो सिंपल ये बात है। और यह देखिए, बात जो बिशपों की नहीं हो रही, बात हेडमास्टरों की भी नहीं हो रही, बात हो रही है लीडरशिप की। तो हम ये कहते हैं अगर किसी ने बिशप बनना ही है तो कम से कम उसको एक मैनेजमेंट को होना पता चाहिए। एक जब बिशप बनते हैं तो उसको एक हेडमास्टर को भी देखना पड़ता है, उसको पादरी को भी देखना पड़ता है, उसको प्रॉपर्टी को भी देखना पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसने कभी ये काम पहले किया नहीं होता। वो ऐसे पहुँच जाते हैं, उसके बाद समझ लगी भी होगी करिए, और उसके बाद उनको फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनके साथ जो मुआमनीन होते हैं वो कई दफ़ा उनको ऐसे मिलते हैं जो बददियानत होते हैं, उनके अपने मफादात होते हैं, तो वो अपनी बात बिशप साहब से बनवाते हैं और उन लोगों को जिनके लिए वे बिशप का तरर किया जाता है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए मेरी दानिश में, चूँकि आपका सवाल था ये क्या वजूहत है, सबसे पहले है ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग वो होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको अगर को बिशप साहब जो है कहते मैंने बिशप बनना है तो कम से कम वो डिप्लोमा होना चाहिए उसको मैनेजमेंट में, उसको पता चाहिए होना चाहिए कि एक अकाउंट का जो जो स्टेटमेंट है उसको कैसे देखते हैं, लोगों को अपॉइंट कैसे करते हैं, लोगों का इंटरव्यू कैसे लेते हैं, लोगों को अगर छुट्टी देनी है तो उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, क्या उनको ज़रूरी है कि वो अकाउंट्स दें या ना दें, ये सारी बातें मैनेजमेंट में। और इसमें ये हम मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में
एक ऐसा जो एक कोर्स बनाया जाए जो हमारे क्रिश्चियन लीडरशिप हो। मैं कल एक मीटिंग में था, चैप की मीटिंग, क्रिश्चियन हॉस्पिटल एसोसिएशन पाकिस्तान, ठीक, उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि अगर आपके कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, हॉस्पिटल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक खास कोर्स का इंतज़ाम किया जाए जो फॉर्मल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी दे, ताकि उससे पता चले कि इन्होंने कुछ ऐसा कोर्स किया है कि अगर इनको कोई जिम्मेवारी मिल जाए तो उसमें ये स्किल होगी कि उसको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इनका होता ये है ना डॉक्टर साहब के पास्टरशिप की जो सेमिनरी बोलते हैं जिसको सेमिनरी की होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं तजर्बा होता, यही ना जो आपका पॉइंट यही है जी। मैं यही पास्टर तो सारे बेसिकली जो भी बिशप का इलेक्शन लड़ रहा है पास्टर तो वो होता है, सेमिनरी तो सबने की होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं होता। जहाँ तक मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात है, सेमिनरीज में जहाँ से पादरियों की तालीम होती है, मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल ऐसे कोई मजहबी हवाले से बताते वो यही होता है जब कोई पादरी बन जाता है तो उसके जितने ज़्यादा वोट होते हैं वो वोट गण के, अगर वो मॉडरेटर बन जाता है या बिशप बन जाता है तो उसके बाद अपने तरीके से जो उसकी समझ में आए वो उसको मैनेजमेंट कहता है। यू आर राइट, ऐसे ही ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अकलियतों को कौन कौन से अहम मसाइल का सामना है, और क्या असम्बलियों और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद नामजद अकलियती नुमाइंदे ये मसाइल हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे? बड़ा मुश्किल सवाल किया है, इसलिए कि सारे नुमाइंदगान मेरे दोस्त हैं और मेहरबान हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर आप मुझे कोई सवाल करेंगे तो मैंने कोई जवाब तो देना नहीं है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि ये दिन है तो शाम है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस वक्त दोपहर के 4 बजे, तो मैं कहूँ नहीं सर जी ऐसे रात पे ही हुई है। फिर आप पूछेंगे ये चांद है ये सूरज है, तो मैं ये नहीं कह सकता ये चांद है ये तो सूरज है। तो माजरत के साथ ये जो सारे मेहरबान हैं मेरे, उनके आपने सवाल किया है कि क्या ये हमारी कम्यूनिटी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल ठीक है ना? ठीक है, मसाइल ज़रूरियात। आपकी एक मेहरबान और जो बड़ी मशहूर शख्सियत हैं वो मोहतरमा, 2 साल कबल मैं यहाँ पे आया छुट्टी के लिए, छुट्टी मेरी मीटिंग थी, उसके बाद मेरी अहलिया भी मेरी साथ थी और यहाँ हम ठहरे FC कॉलेज में, और उस ज़माने में हमारी दोस्ती थी जो ऑगस्टिन साहब हैं, और उन्होंने जो मिनिस्टर जो है पंजाब उस ज़माने में थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया क्रिसमस डिनर पे, जो उसमें मेहमान एक खसूसी थे जनाब ऑगस्टिन साहब बाजार साहब जो हमारे अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो इन जलसों में जो ज़वाबत है, जो रसूमात हैं, वो ये हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कोशिश करते हैं कि एक से बढ़कर दूसरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की तारीफ करें। तारीफ जो है करना बुरी बात नहीं है, खुशामद करना बुरी बात है, फ्लैटर कॉम्प्लीमेंट देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन TC करना बुरी बात है। उसमें जिसकी TC की जाती है उसको भी शर्म आती है। अब ये मोहतरमा है, हम बैठे हुए थे वहाँ पे, इन्होंने कहा जी कि जब इमरान खान साहब आते हैं खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा मुझे इनमें नजर आता है। हाँ ये बड़ा, आप थे वहीं पे? हाँ जी सोशल मीडिया आप थे? नहीं, मैं था, मैं खुद था, हमने फिर लिखा भी, हम सुबह में मेरी अहलिया ने उसमें लिखा भी, मैं तो खुद था, मैं भी गया था,
और ये ब्लास्फेमी है। आप इससे ज़्यादा किसी की खुशामद करना, और फिर भी वो मिनिस्टर नहीं बनी, अभी भी सड़कों पे घूमती है वो। ऐसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी वो बुरा नाम है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की क्या बात है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो हर को बन जाता है, वो मुशीर भी तो बने फिरते हैं। लेकिन ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें सेंटर में कोई हमारा मिनिस्टर नहीं है। रवायत रही, हालांकि उनके पास कोई इख्तियार भी नहीं होता, बड़ा नाम ही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये इस बात पे नहीं सर, वो रवायती तौर पे बनाया होता है ना उनके पास। इख्तियार था के पास, क्या नाम, भट्टी साहब के पास, क्लेमेंट शहबाज भट्टी, हाँ उनके पास पूरा इख्तियार था, वो मिनिस्टर थे। उन्होंने ये जो है इख्तियार ना होता तो वो माइनॉरिटी का जो जो डे कैसे बनाते, माइनॉरिटी डे 5% कोटा, 5% कोटा कैसे ना लेते। जिन्होंने खिदमत करनी होती है, जिनमें ताकत होती है, जिन पे खुदा का हाथ होता है, वो सारा काम करते हैं। लेकिन सर इसमें मैं आपको बताऊं, उसमें शहबाज भट्टी जो है ना वो एक स्ट्रगल करके आए थे बड़े, हाँ वो सर। लेकिन ये बेचारी हादसा थी, इसके बहनोई जो हैं आप जानते हो, सैमुअल राया साहब वो बिशप थे इसके रेवेंड डायसेस के, तो उनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है इस हवाले से नहीं है। नहीं वैसे तो मैं ये आपकी बात की तायद करता हूँ, इस बात की आपकी तय ये ना कि ये लोग जब ऐसे हालात में ऐसी जगह पे पहुँचते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती कि अब हम इस राउंड अबाउट पर जब जाते हैं ना, लोग घूमना शुरू हो जाते हैं, कोई एग्जिट होता है कि तीसरे एग्जिट से दूसरे एग्जिट से, इनको पता नहीं है राउंड पर भी घूम रहे हैं, उनको पता नहीं हमने आगे जाना कहाँ है। अब ये ठीक बात है, इनकी जो है जो क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिक तो ठीक है, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर कोई आप देखें, कोई बंदा शुरू होता है तो काउंसलर बने, उसके बाद कुछ बने, कोई कुछ बने। इन्होंने यही किया है कि सबसे ज़्यादा उसके पास पैसा हो जी। या जिसकी ज़ुबान चिकनी हो चिकनी ज़ुबान वाला जो है वो सियासतदान आजकल कामयाब सियासतदान है। ऐसे ही आप मेरे साथ झगड़ा करेंगे मेरे दोस्त तो फिर देखी जाएगा मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया नामजद, क्योंकि वो अपने ताकत से नहीं आए होते, अपने लोगों के वोट से नहीं आए होते। जो आप बात कह रहे हैं, जो फ्लैटरी कर रहे हैं, या वो इसी वजह से कि उन्होंने उनको खुश करना क्योंकि उन्होंने नामजद किया है। देखिए कॉम्प्लीमेंट करना जो है ये बुरी बात नहीं है। अगर किसी शख्स ने कोई काम किया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना यार बहुत आज का, लेकिन फ्लैटरी जो है वो बड़ी मुश्किल बात है, वो बहुत यू नो ये तो इसमें ये है कि फ्लैटरी जो है दैट इज आई थिंक इस नफरत अंगेज काम है। ऐसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या अकलियतों के लिए जुदागाना मौजूदा तरीका इंतखाब, या अकलियतों को दोहरे वोट के तरीक़ाकार के तहत अपने नुमाइंदे अपने वोटों से मुंतखब करने चाहिए ताकि अकलियती नुमाइंदे अपने वोटर्स के सामने जवाबदेह हों, ना कि मुतलका पार्टी को जिसे इसने मुंतखब या नामजद करवाया। मेरी दानिश में हमारे जो मसाइल जो हाल के हैं उसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि हमें हक होना चाहिए कि हम अपने नुमाइंदों को चुन सकें। अब इन आपकी बात हो रही है ये दोहरे वोट की, ये बात ठीक है कि हम उन लोगों को भी वोट देना चाहिए जो मेजॉरिटी के हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ का आना जाना, रोज़ हमारे मसाइल होते हैं, और दूसरे जो हमारे जो नुमाइंदे होने चाहिए, जो अकलियती नुमाइंदे होने चाहिए, वो भी ज़रूरी है कि वो भी हम खुद चुनें ताकि उन तमाम मसाइल का हल वो हम वो कर सकें जिसकी वाबस्तगी हमारी कम्युनिटी के साथ है। मसाइल दो किस्म के होते हैं, एक तो है जो लोकल मसाइल होते हैं जो जहां हम रहते हैं उन इलाकों में, और दूसरे हैं जो हमारे कौमी मसाइल होते हैं, कम्युनिटी के मसाइल होते हैं, और इस हवाले से हमारे वो बंदे होने चाहिए जिनको हमने खुद चुना हो, क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम है वो हमारी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नामुनासिब है,
और इसको एकदम इसको ख़त्म होना चाहिए और इसकी जगह चाहे दोहरे वोट वाला हो लेकिन जुदागाना इंतखाब ज़रूर होने चाहिए। ये मेरी अपीलें है इसमें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अकलियतों को वीआईपी स्टेटस देने के दावेदार मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी तक वफाकी काबीना में अकलियतों को नुमाइंदगी नहीं दी, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मैंने उस वक्त बात एक दफ़ा की थी इमरान खान साहब के साथ जब वो कैंपेन कर रहे थे। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान जी, उस ज़माने में मैं यहाँ था और हमारे एक दोस्त थे यहाँ पे, मैं उनके घर में इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और उस वक्त चूँकि ये गवर्नमेंट में नहीं थे, उन्होंने उस वक्त मुझे ये यकीन दिलाया था कि उनकी गवर्नमेंट अगर वो अपनी जो अगर उन्होंने गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो वो तमाम अकलियतों के हकूक़ का तहफ़ करेंगे। अब देखें उस वक़्त जो है ये 6 साल की बात हो रही है, उस वक़्त ये कैंपेन कर रहे थे, तो उस वक्त से मैंने उनको ये बात की, मैं सर देखें आप परसों आपकी एक यहाँ पे मीटिंग हो रही है और आप उसमें सारे जो हैं वो स्पीकर जो हैं वो उनमें कोई भी हमारा नुमाइंदा नहीं है, तो उन्होंने अगर आपको याद होगा तो उन्होंने सेकंड स्पीकर जो था मेरे कहने पे सैमसन साहब को दिया थी। सैमसन सलामत सैम वो जो ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साइमन सैमसन शरफ साहब, शरफ साहब ही वाज द स्पीकर इस्लामाबाद के, वही स्पीकर थे यहाँ पर, उन्होंने दिया था वो अलहदा, फिर उनको फिर टिकट भी दिया था लेकिन वो अलहदा बात है को काम ख़राब हो गया उनका, वो ये हमारा नहीं है, लेकिन उस वक़्त जो थी वो इमरान खान साहब ने मेरे साथ वादा किया था। आजकल तो वो मिलते नहीं, किसी को भी नहीं मिलते, ये तो बात ये तो सही है क्योंकि वो बड़े मसरूफ़ हैं। मेरी दानिश में इस गवर्नमेंट ने मसीही अकलियत के लिए और दूसरी अकलियतों के लिए सवाए सिख के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई मराहत नहीं दी और कोई ऐसी बात जो है वो इन्होंने नहीं की जिसका इन्होंने वादा किया था। सही। ये कहना कि हम अब मदीना की जो है जो रियासत है उसके बॉर्डर पे करेंगे, ये नहीं कर सकते, हमें ये हमें मंजूर है ये, हमें मदीना की रियासत के जो 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 हकूक हैं वो दे दें, हमें हमें मंजूर है लेकिन नहीं कर सकते वो। सही। इसलिए ये जो हाथी के दांत होते हैं वो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ऐसे ही ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डॉक्टर साहब, 1973 के आयन के बारे में बड़ा ढंडोरा पीटा जाता है कि ये मुतफिका आयन है जबकि इसमें अकलीतों का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, अकलीतों की नुमाइंदगी के बगैर ये आयन मुतफिका कैसे कहला सकता है? मैं इस आयन के हवाले से मैं अपनी ये आपको बताता हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज नहीं है। सही। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मौजूदा हालात में जो आईन है उसमें अकलियतों के हवाले से कोई हकूक़ नहीं दिए जा रहे और ना ही उनमें किसी ऐसी बात के हवाले से अगर कोई शक है तो उसको पूरा नहीं किया जा रहा, अगर लिखा है तो वो उसको कोई भी जो फेयर गवर्नमेंट होती है वो अपनी अकलियत के लिए अगरचे आईन में जगह हो या ना हो खुदा तरसी के हवाले से भी वो उनको हकूक देती है, दे सकती है। सही।
ये हमारी हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों की तरह जालम, बेइंसाफ, बेदर्द हुकूमत है। अभी इनको मैं कह रहा हूँ, हम नवाज शरीफ को भी कहते हैं, हम जरदारी साहब को भी कहते हैं, कहते हो कुछ और है, करते कुछ और है। हर एक गवर्नमेंट का यही होता है। तो कोई शख्स अगर हमें ये कहे कि हम आपको रियासत मदीना के हवाले से जो आप हकूक देते हैं तो हम खुश हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, इसलिए ये नारा है। बिल्कुल हर बंदा नारा देता है कि हम अकलीतों को हकूक देंगे, लेकिन जब वक्त आता है बराबर के हकूक देंगे, बराबर के। और ये हमारे सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारे अपने जो 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 नाम निहाद जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है जी, इनके लिए तो ठीक है ना, जो इस्लामाबाद में बैठ के अपनी जो 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 पार्लियामेंट्री जगह है वह भी बड़ी अच्छी बात है। उन लोगों से पूछे जिनकी लड़कियां अगवा होती हैं, हाँ जी, उन लोगों से पूछे जिनको नौकरी नहीं मिलती, उन लोगों से पूछे जिनकी जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उन लोगों से पूछेंगे उनका क्या हाल है। इन्होंने तो ठीक ही कहना है, वो पाँच छः बंदे हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं तो अपना उनकी जब लोग आते हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं तो उनका बात खत्म हो जाती है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, इसमें हमारा सिस्टम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरी दानिश में पाकिस्तान में अगर कुछ लिखा गया है कि हमें बराबर के हकूक हैं तो हमें बिल्कुल नहीं दिए जा रहे, जस्ट हॉलो स्लोगन्स। ये तो सिर्फ लिखत पढ़त की बात है ना, अखबारी बयानात। अभी हमारा मैं देखता हूँ हम रोज़ हम आपके जो नाज़रीन हैं उनको पता है कि हम इंग्लैंड में एक प्रोग्राम करते हैं हर हफ्ते गेटवे गज़ेट के नाम से, वो हमने 11 साल पहले शुरू किया। उस दिन हम शुरू किया जब ये गोजरा में 6 साल को जला दिया गया, तो उस दिन हमने ख़ानदानी हवाले से हमने ये फैसला किया कि हम इस ये जो बेइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, हम उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं यहाँ बैठ के मैंने उधर पाकिस्तान की हाई कमीशन में कमिश्नर साहब को कहा था, मैं कहा सर ऑल इज़ नॉट वेल इन पाकिस्तान, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ऑल इज़ नॉट वेल फॉर क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान। अगर कुछ कहते हैं लोग तो झूठ बोलते हैं, अगर हमारे अपने भी लोग कहते हैं जी ऐसी ठीक ठाक आ तो तुम ठीक हो, असी तो नहीं ना ठीक। वो सिर्फ सियासतदान ही कहते हैं जो नामजद हैं कि उन्होंने अपने बॉस को खुश, जो भी बंदा गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है उसमें इतनी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ऐसे ही कि वो कहे जी कि सब काम खराब है कुछ करना चाहिए, वो ये हमेशा ही कहते हैं बड़ा अच्छा जी बड़ा मज़ा जी हर जो, इनको तो मज़ा है इनको तो मज़ा है, लेकिन बदकिस्मती ये है, रियलिटी ये है कि नहीं है जी। डॉक्टर साहब, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बनाई गई आइनी इस्लाहात कमेटी में भी किसी अकलीती पार्लियामेंटेरियन को शामिल नहीं किया गया, इस तजाद की क्या वजह है? देखें, मैंने गुजारिश की है ना कि गवर्नमेंट को ये पता है कि इन्हों का अगा पीछा कोई नहीं, सही ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट को ये पता हो कि हमारे नाम निहाद नुमाइंदे हैं वो उनके ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है कि हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ अपनों ही की वजह से इतने ख़ार हो रहे हैं। जी सब देखिए, ये जो आपका जो ये पखंड जो है,
ये पखंड ही है ना हाँ जी कि मेरा कोई है जी ये तेरा नुमाइंदा मैं जानता भी ना वो ना मेरा फोन का जवाब दे और ना मेरा पता करे जो मैं मरने वाला होया वो मेरा नुमाइंदा तो नहीं ना वो तो सारा आपका नुमाइंदा है वो आपको वोट देता है वो आपका नुमाइंदा है सही मैंने सख्त बातें करनी शुरू कर दी आप ख़त्म करें अच्छा डॉक्टर साहब गुस्ताखे रसूल कानून के गलत इस्तेमाल की वजह से अकलियतों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस कानून के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है हम ख़त्म करने का नहीं कहते जब दे नहीं आप आपका पास आपके पास मैं जब मैं कह रहा था ख़त्म इसमें ये कानून जो है ये ना तो अमेंड हो सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है ठीक है मैं इसको खुद तस्लीम इस हकीकत को मैं तस्लीम करता लेकिन जो हो सकता है वो ये है कि इस कानून को जो बेइंसाफी पे मबनी है कम से कम उसकी जो एप्लीकेशन है जब वो प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल किया जाता है तो कम से कम उसमें इंसाफ होना चाहिए कि अगर कोई कहता है कि इस शख्स ने ब्लास्फेमी की है तो कम से कम उसको एक जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करे उसके बाद एफआईआर लिखी जाए उसके बाद उस बंदे को पत्थर मारे जाएं उसके बाद उस बंदे की बीवी को बच्ची को उठाया जाए उस बाद उस बंदे को गोली मारी जाए उसके बाद उस बंदे को उठा के भट्टी में डाला जाए आजकल ये होता है कि किसी ने किसी एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी की भैंस पसंद आ गई तो उनको पड़ोसी के पास गई यार मेनू मझ दे दे यार मझ तो मेरी है होनी भी नहीं यार मैं क्या तू मैनू मझ दे दे वो मझ तो मेरी है कहता हूँ मैं तेन वेखागा झूठा मुकदमा दर्ज करा देता गल खत्म अगले दिन उसी बंदे ने कोई ऐसे ना ऐसा बहाना कर देना है कि उसके ऊपर ब्लास्फेमी का नारा लगा दे और गया मुअज्जिन के पास कि यार इस बंदे ने ऐसी गल की है जेड़ी ब्लास्फेमी ला दे जमरे चांदी मुअज्जिन और का कम नहीं उन्हें अच्छा तेन वकी गल है सची मुची कसम खा ले गल शुरू हो गई सारी दुनिया वक्त की जाएगी वो बंदे को मारेगी उसकी बीवी को उठाएगी बच्चे को उसके साथ ज्यादती करेगी और बंदे को उठा के जेल में और रास्ते में अगर हो सका तो उसको मार देंगे अदरवाइज 10 साल वो बंदा जेल में पड़ा रहेगा इससे पहले कि उसकी बारी आए पता वो होया कि भाई डॉक्टर साहब हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए साबका फटा रकीन के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद उनकी कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों की तादाद में इजाफा किया गया है जबकि 1973 के बाद अब तक अकलियतों की असम्बलियों की नशस्तों की तादाद में इजाफा नहीं किया गया क्या आबादी में इजाफा के तनासब से अकलियतों की नशस्तों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए लास्ट जो हमारी आदाद शुमारी हुई तो उसमें पता चला कि मसीही अकलियत की जो तादाद है वो कम हो गई है हाँ कम हो गई क्या बिल्कुल ऐसे ही है ना ये बेमानी और मज़का खेज बात है इसलिए कि अगर मुल्क के हर एक कम्युनिटी की तादाद में इजाफा हुआ है तो हमारी मसीही कम्युनिटी की तादाद में इजाफा क्यों नहीं हुआ अगर ये बात सही है तो ये लम्हा फिक्रिया है दो वजूहात हो सकती हैं एक तो इन्होंने
कम्युनिटी को सिस्टमैटिकली इन्होंने मुसलमान बनाने की मुहिम शुरू की हुई है ताकि हमारे सारे मसीही लोग हैं मुसलमान बन जाए। एक दूसरा, इन्होंने इनको भगा दिया है कि वो दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, कोई सालिम करने के लिए कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। ऐसी तीसरी बात है कि सारे के सारे जो है डर के मारे मुसलमान हो गए। चौथी बात यह है कि बताता नहीं है कि वो हम क्रिश्चियन है या नहीं है, कि वो मारना देन सन। यही वजह है, यही अदरवाइज हम ये कहते हैं कि हमारा भी उसी तनासब से हमारी कम्युनिटी में इजाफा हुआ है जितना आपके हुआ। वही कह रहा हूँ कि 73 के बाद तक अब तक नहीं हुआ, उसके दो तीन मुशरफ दौर में भी जरदारी ने भी एक दो दफ़ा असम्बलियों की सीटें बढ़ाई हैं। हाँ, लेकिन वो देखे ना, फिर भी वो तो शर्म शर्म की है ना। फिर एक दफ़ा कहते हैं हमारी कम जो कम है, अब बंदे कम हो गए, दूसरी जगह कहते हैं हमारी से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें हमारी जो हो सकता है मेरी मालूम कम हो, जिसमें कहा गया हो कि डेफिनेटली हमारी कम्यूनिटी की सीटों में इजाफा हो क्या है या होना चाहिए या हो चुका है। मेरी दानिश में ये अभी मुझे मालूम नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं हुआ, बल्कि एक बिल भी इन्होंने कोशिश की पेश किया है जो हमारे पार्लियामेंट नहीं तो करेंगे ना, मुखालफत नहीं किया है, मुखालफत हुई है, उन्होंने नहीं किया। हम इस मुल्क में, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या कहते हैं मुझे, बेइंसाफ हुकूमत हमारी है जिसमें इंसाफ कहते तो है, ये तहरीक इंसाफ ये तहरीक बेइंसाफ है और इन्होंने कभी कोई ऐसा काम जो है ये माइनॉरिटीज के लिए नहीं किया जा जो कुरान के मुताबिक है। नाम लेने से बंदा जो है वो ना मोमन बनता है ना मुसलमान बनता है। ऐसे काम से पता चलता है कि आदमी के असलियत क्या है। वोट लेने के लिए जो कुछ इनको करना पड़ेगा वो करेंगे, जो कुछ हुआ इनसे करेंगे। अगर ये कोई भी, ये अकेले नहीं है, ये जो हमारी जो ये जो मुस्लिम नून वाले भी ऐसे, वो भी हमारा एक दफ़ा मैं खाना खा रहा था एक बड़े मशहूर लॉ मिनिस्टर उनके साथ, तो मैं उनका मैं कहा सर हमारे कॉलेज जो है वो हमारा है, हमें वापस करें। वो कहता छोड़ो सर तुझी की करना है। मैं कहा सर वो साढ़ा जी, कहता फिर कर लो जो कुछ करना है। ऐसी ये तो इनका है हाल है। वो कहता जी तुम तो मेरे कॉलेज दे छोड़ा तो साढ़े तो कि ना साड़ी जी मजहबी लॉबी है वो तो सानू वोट नहीं देंगे। असं तो वेखिए असं इंसाफ वेखिए कि अपने वोट वेखिए, इनको इंसाफ का नहीं, इनको वोट की बात है। अगली गवर्नमेंट की बात हो रही है। अभी जो चंद हफ्ते के जो हालात हैं उससे आपको पता चल गया है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस। लाठी वाला लाठ साहब है इधर, लाठ साहब। अच्छा, अभी आपने जो बात की ना उसी से मैंने कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे के यहाँ मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक साहब थे जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, उनकी डेथ हो गई, तब उनकी वाइफ को नून लीग ने खड़ा किया और उसके अलावा भी काफ़ी, और उन्होंने हर घर घर जाके पीपल्स पार्टी वाले 2,000 पर वोट कह रहे हैं जी हमें वोट दें, 2,000 कैश देंगे, और नून लीग वाले 5,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जो आपने बात की ना कि जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की सूरत है। जो गरीब लोग हैं बेचारे जो जॉब नहीं कुछ ही, वो कहते हैं ठीक है जी आटे के तोड़े भी देते हैं, नान कीमा भी खिलाते हैं, कीमे वाले नान बिरयानी भी खिलाते हैं। उसमें ये होता है फिर बाद में जिसने कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया लगाना है वो किसी न किसी निकालता तो है ना। हाँ जी, ऐसे ही वो करप्शन करते हैं, इसी तरह उन्होंने पूरा करना है जी। बढ़ाइए डॉक्टर साहब, सेनेट में एक तवील अरसा तक
अकलियतों को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। ताहम अकलियती तंजीमों की मुसलसल जदोजहद और मुतालबा पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2012 में सेनेट में चारों सूबों से एक एक नशिस्त मखसूस की, लेकिन वफाकी दारुलहुकूमत में अकलियतों को नुमाइंदगी से फिर भी महरूम रखा गया। नीस अकलियती उलमा और ख़वातीन को भी मुस्लिम ख़वातीन की तरह नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने ये बात हम पहले डिस्कस की है। जहाँ तक हमारी नुमाइंदगी जो है वो सेनेट में है, उसमें आजकल जो कामरान साहब हैं, उससे पहले कामरान माइकल साहब, आई थिंक ही इज़ अ गुड लॉ मेकर, और जितना उनको अथॉरिटी दी जाती है उसके हवाले से वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस करती हैं वो हैं आसिया नासर जो हैं, शी इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, और वो हमारी जो ऑल्दो वो मजहबी जमात से हैं वो, और वो अकलियती वोट पे वो नहीं है, वो मजहबी जमात से ख़वातीन की वोट पे आती है, और उन्होंने बहुत काम किया है। उसके अलावा जो एक और हमारे सेनेटर थे सियालकोट से, तो टाइम सियालकोट से, यू नो, सो मेरी दानिश में जब तक हमारी कम्युनिटी के हवाले से रिफॉर्म्स ना हो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की, तो ये हमारी जो मसाइल हैं वो कम नहीं हो सकते। फिर मैं कहूँगा कि जब तक हम अपने नुमाइंदे खुद ना चुने, अब देखें कोई भी ऐसी नेशनल बॉडी या और ज़्यादा जो नेशनल बॉडीज़ हैं जो ऐसे फैसले करती हैं जिनका ताल्लुक हमारे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक हो, उसमें हमारा बंदा एक भी नहीं होता। ऐसे कोई भी आप मुझे बता दें, कोई भी ऐसी काउंसिल और नेशनल काउंसिल माइनॉरिटीज़ की, बहुत कम वहाँ पे लोग होते हैं। अब जो हमारे हिंदू नुमाइंदगान हैं वो आ रहे हैं, जैसे रमेश हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने अपना काफ़ी काम करते हैं वो, और उनमें जज्बा है अपनी कौम को, उन्होंने अपनी जो है जो 5% उनकी जो है नुमाइंदगान लोग जो हैं वो सिंध में, वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनको, लेकिन हम नहीं करवाते हैं। और ये कम करवाते हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो सभी 5% मैं लेकर दिखता जी। आपको पता है कि ये सब बात जो है वो शहबाज भट्टी उनके दौर में होता, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारा उनके नाम है, मरहूम शहबाज भट्टी जी। अच्छा नहीं, इसमें मेरा था अगला पार्ट कि अकलीती उलमा जैसे हमारे बिश साहबान हैं जो शौकीन हैं इलेक्शन भी लड़ने के या आने के पॉलिटिक्स में, मलिक साहब ने भी कोशिश की, सेबेस्टन शाह हैं कैथलिक, वो भी बड़े एक्टिव हैं, नेशनल मिनॉरिटी जो कमीशन उसके भी मेंबर हैं, तो उनके लिए जैसे अगर मतलब हाजिर सर्विस तो नहीं वो कर सकते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर अकलीती उलमा की इन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, टेक्नोक्रेट्स उलमा ख़वातीन, लेकिन ना हमारी जो अकलीती ख़वातीन हैं किसी पार्टी को, जैसे आपने वो आसिया नासर का जिक्र किया है, वो मतलब उनकी मर्ज़ी आप स्वाबदीद है, लेकिन फिक्स नहीं है जैसे रिज़र्व सीटें हैं कि हमने मिनॉरिटी की ख़वातीन के लिए भी सेनेट में नशस्तें रखनी हैं या अकलीती उलमा के लिए। साफ हुकूमत है और जब तक इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इस मुल्क पे खुदा की बरकत नहीं है, खुदा का हाथ नहीं है, खुदा का साया नहीं है।
जब तक ये लोगों को इंसाफ नहीं देते, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ मुसलमानों की मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में लिखा है, मुकद्दस कुरान में लिखा हुआ है, वो हमें दे दे, हम खुश हैं। इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं, उनको पता नहीं कुरान का, वो अरबी में कुरान है वो पढ़ देनी है, उनको समझ ही नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि हमारी मुकद्दस किताब जो है उसमें अकलियतों के मुतालिक क्या लिखा है, उनको ये नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि ये मसीही है, इसके साथ ना बैठना है, ना इसे पानी पीना है, ना इसको पानी पीने देना है, ना इसको नौकरी देनी है, ना इसको स्कूल में जमा कराना है, ना किसी बड़ी तादाद आके हमारे जो लोग हैं मसीही इनकी सफाई करते रहे। इतना गंद ये डालते हैं कि सारी कम्युनिटी इनका सफाई करने के लिए लगी, अभी तो सफाई नहीं होती इनकी। ऐसे किस किस चीज़ की सफाई पैदा करें, इनकी फर्शों को हम साफ करें, इनका दिमाग साफ करें, इनका दिल साफ करें, क्या कुछ साफ करें हम इनका। अच्छा, नेक्स्ट डॉक्टर साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आयन की रूह से कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, जबकि पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी मसीही को मुल्क का वज़ीर आज़म देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है, ये कैसे मुमकिन होगा? कोई मुमकिन हो नहीं सकता। देखें, हम उस मंजिल से अभी बहुत दूर हैं, और ये बदकिस्मती है कि लोग कहते हैं वो हो नहीं सकता। अगर ये प्रोविजन हो भी जाए तो फिर भी नहीं होगा वो, क्योंकि ये हम ये मुल्क जो है ये तंग नज़रों पे एक्सट्रीमिस्ट है, इनके ज़्यादा लोग जो हैं वो तंग नज़र हैं, अक्सरियत बिल्कुल ऐसे ही। ये तो ये नहीं दे सकते कि अपने ही जो इनके मज़हब के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो शिया ना आगे आ जाए, तो सुन्नी ना आगे आ जाए, तो ये ना हो जाए, तो ये हमें ये तो बिल्कुल ये जो है ये तो नामुमकिनात में है कि कोई मसीही जो है वो चीफ जस्टिस अगेन बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए या बन जाए। तो ये डिबेट जो है ये इस वक्त जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात को की तरफ ये इशारा करती है कि आइन की ये जो शक है ये गैर इंसाफी पर मबनी है, ये गैर इंसाफी पर मबनी है। अगर ये कहा जाता है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, तो ये गलत बात है कि ये कहा जाए कि ये शहरी जो है बराबर तो है लेकिन ये सदर नहीं बन सकता, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ये अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन देखें, हमारा जो असूल है, मेरा जो पर्सनल है, आई लव पाकिस्तान। मैं 40 साल से हर 2-3 महीने बाद आता हूँ मैं यहाँ पे, और जो जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ करता हूँ, अपने मुल्क के लिए करता हूँ, हम सब कुछ करते हैं पाकिस्तान के लिए। हमें पाकिस्तान से साथ मोहब्बत है, हमारे वोटों से पाकिस्तान बना। हम हमारा जो अगर कोई इख्तलाफ है तो उनसे है जो इस मुल्क की गवर्नमेंट को चलाते हैं, जिनका फ़र्ज़ है इंसाफ मुहैया करना, इंसाफ मुहैया नहीं करते, जिनका फ़र्ज है कि हमें इजाज़त दें क्या कि हम जो है वो सांस ले सकें और हमें सांस नहीं लेने देते। हम हमारी जो मुश्किलात है उन लोगों से हैं जो हमें वक्त पे जब हमारा ज़रूरत होती है तो हमें वो राशन नहीं देते
जब सैलाब आते हैं जो दूसरे लोगों को मिलते हैं। आपको याद होगा जब सैलाब आता है और हमारे जो लोग जो थे वो राशन लेने के लिए जाते हैं कि ना पहले मुसलमान हो जाए तो फिर तुम राशन दे, ये बात हो रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मजहबी तासब और छूतछात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो है आप ये छूतछात और डिस्क्रिमिनेशन जो है होटल में कहेंगे हमारी जो सोसाइटी है इसकी रग रग में गर्दिश कर रही है, ये निकल नहीं सकती जब तक इस मुल्क में इंसाफ ना आए, इस मुल्क में खुदा खौफी ना आए। सही, खुदा खौफी ना आए। हम कहते हैं सारी जान छोड़ो, अपने खुदा को डरो भाई, हम ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपने खुदा को खुदा की परस्तिश करें अपनी किताब मुकद्दस के मुताबिक तो हम ठीक हैं, हम ठीक हो जाएंगे। सही, तब तक जब तक ये खुद अच्छी तरह के असली मुसलमान नहीं बनते हमारी मुसीबतें जारी रहेंगी। बिल्कुल ऐसे, जो कुछ भी होता है वो अपने मुफादात की बिना पे होता है, तो उसके हवाले से हमारा जो नंबर है वो बहुत कम नीचे पे। सही। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, सूबा सिंध में नाबालिग हिंदू लड़कियों के जबरी तब्दीली मज़हब फोर्स्ड कन्वर्जन के बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में आप क्या कहेंगे? बदकिस्मती है हमारी कि ये बात सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, पंजाब में भी बहुत, लेकिन निस्तन उधर ज़्यादा है, और सिंध में ज़्यादा है। और बेसिकली ये शहवत पसंदी की बात हो रही है। हाँ जी, ये सारे के सारे ये जो फोर्स्ड मैरिजेज होती हैं, कभी किसी 40 साल बंदे को पकड़ के ना फोर्स्ड मैरिज नहीं की कि ये 40 साल का बंदा है इन्हें फाड़ लो, इस नाल किसी के साथ फोर्स मैरिज कर दो ताकि ये मुसलमान हो जाए। वो पकड़ेंगे 13-12-13 साल की बच्ची को पकड़ेंगे और उसको कहेंगे कि इसकी फोर्स मैरिज कर दें, उसको मुसलमान कर लें। और लड़कियों के साथ होते हैं, लड़कियों ना माइयों के साथ होता है ना उम्र सीधा लोगों के साथ होता है, लड़के शहवत पसंद ही है इसमें, और कोई बात नहीं है। और फिर भी वो इंसाफ की बात है ना, इंसाफ नहीं मिलता फिर किसी को, रोते फिरते हैं लोग सारी उम्र, रोते फिरते हैं मेरी कुड़ी दसो या कितने गई कितने गई, पहले उनको निकालते हैं, उनके साथ उनको रेप करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, फिर उनको बाकी सारी उम्र के लिए उनको अपने ही ख़ानदान में नौकराने के हिसाब से वो बच्ची बेचारी ना घर जा सकती है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मज़लूम और पिसे हुए तबकों के लिए आपका पैगाम? हमारा खुदा इंसाफ वाला खुदा है, घबराना नहीं, अच्छा वक्त आएगा इसी मुल्क में आएगा, क्योंकि इसी मुल्क में ऐसे लोग भी हैं, हमें भी जानते हैं आपको भी जानते हैं, जो इंसाफ पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो खामोश है, उनको खामोश रहना पड़ता है, वो किसी के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि खामोशी नीम रजामंदी होती है, आप मेहरबानी से मेरे मुसलमान बहन भाई हो, उन लोगों की मदद करो जो आपके साथ रहते हैं, आपके घरों में काम करते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है, अपनी ज़ुबान बुलंद करें। कल मैं डॉन में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल देख रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा है ब्लास्फेमी के लॉ के मुतल्लिक, आवाज़ बुलंद करें, खुदा आपकी मदद करेगा। इस मुल्क में हर चीज़ है, हर चीज़ है, कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, मुल्क में गंदम है, लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, इंसाफ नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं होगा ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में सभी लोग हैं, इसमें जो मेजॉरिटी भी है माइनॉरिटी भी है, जब तक माइनॉरिटी के हालात ठीक नहीं होंगे मेजॉरिटी कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में हमारी साख जो है वो देखी जाती है सिर्फ
एक हवाले से, वो ये है कि ये मुल्क अपनी माइनॉरिटी से कैसा सलूक करता है। जिस मुल्क में मैं ज़्यादा वक्त लगाता हूँ उसमें आज 33 के करीब MPs हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो दूसरे मुल्कों से आए हैं। हमारा जो लास्ट चांसलर था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, वो मुसलमान था। आजकल जो है वो हिंदू है। आजकल जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है वो इंग्लैंड का, वो मुसलमान है। आजकल जो लंदन का, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, उसका जो मेयर है वो मुसलमान है। इंग्लैंड में 11 मेन शहरों के मेयर मुसलमान हैं। अब हम ये अपनी जो मसाइल को जो है बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि हमारी अपनी ज़हनियत इसको इजाज़त नहीं देती, तो ज़हनियत साफ़ करने का वक्त आ गया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमैनुअल यूसुफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।